हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। मैं रंजित कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और ये क्लास टेंथ के हैं। जो इस बार 2019 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे मार्क्स जो होंगे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहले हम लोग 1 मार्क्स के सारे पार्ट्स को पढ़ लिए, जितने भी बुक्स के हर एक चैप्टर वाइज पढ़ लिए, और यहाँ पे भी हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो दूसरे मार्क्स का ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा, मतलब पहला पार्ट होगा जो कि साइंस है। क्लियर? तो चलिए हम लोग साइंस में पहला चैप्टर जो होगा, पहला पार्ट्स हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण से। दर्पण से जो क्वेश्चन आता है उन पे देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं, दर्पण से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से आरेख खींचने के लिए। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि कोई वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए तब किरण आरेख का प्रतिबिंब दर्शाइए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या मुखाक्ष है और ये मेरा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की कहाँ पे बोला है हम लोग को, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस। तो ये हो गया मेरा ध्रुव, ठीक है, और यहाँ पे और ये मेरा हो गया फोकस। तो ये दोनों के बीच में ये रखा गया है, तो इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको पता है कि एक जो होगा मेरा सेंटर से कोई गुजरेगा, तो सेंटर से कोई गुजार दिए, और यहाँ पे डॉट से दिखाएं क्योंकि वो आभासी बन रही है। क्लियर? दूसरा हमारा यहाँ पे केंद्र से होकर गुजरेगी, और ये केंद्र से खींच देना है इस प्रकार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और ये जो वस्तु का जो आकार है उसे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और ये मेरा आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन जो बोला गया था, कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी वस्तु को किरण आरेख खींचें, तो सिर्फ आपको किरण आरेख खींचनी है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तब उससे बनने वाले प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचे। देखिए जब हमारे वक्रता केंद्र पे रखेगा ना, तो इसका वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, हम लोग इसको पता है। लेकिन किरण आरेख आपको खींचना, जैसे कि ये हमारा अवतल दर्पण है और ये मेरा मुख्य फोकस है, ठीक है, इनको सीधा खींचना है। तो सबसे पहला क्या होगा, एक फोकस से कटेगा, फिर आप फोकस से कट करके फिर ये क्या होगा, वापस आएगा, और इधर से फिर क्या करेगा, ये एक इस दर्पण से टकराने का, फिर ये फोकस से कटेगा, और दोनों जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे ना, उसको क्या कर देनी है, मिला देनी है। जैसे आप मिलाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, केंद्र पे ही बन रहा है। मतलब कि कोई भी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे रखी जाती है तो उसकी जो इमेज बनती है वक्रता केंद्र पे ही बनती है, और वक्रता की केंद्र के बराबर ही बनती है। क्लियर? तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, तो कहता है कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से परे रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचे। क्लियर? तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे नीचे कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो था ना, इनका हम लोग को किरण आरेख खींचनी है। तो जैसे कि हम लोग वो देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र के परे मतलब वक्रता केंद्र के पीछे थोड़ा रहेगा। तो ये मेरा वक्रता केंद्र इसके पीछे रख दिए, तो यहाँ से जो सबसे पहला क्या होगा, एक किरण आरेख जाएगी। तो आपको पता है कि हमेशा एक किरण आरेख आपका फोकस से काटेगी और दूसरा वक्रता केंद्र से, और दोनों जहाँ पे ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा और वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, जो हमारा जहाँ पे मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसका इमेज बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वक्रता केंद्र के अगर परे हमारा कोई वस्तु रखा गया था, उसका जो फिगर बन रहा है केंद्र मतलब कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, और ये वस्तु के आकार वस्तु का जो आकार है उससे क्या बन रही है, छोटी बन रही है। क्लियर? तो ये हमारा ये 3 नंबर का क्वेश्चन का जो था आरेख वो हम खींचते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर पूछा गया। कहता है कि एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के एन प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचे। तो देखिए आपको पता है कि ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के हम लोगों को कहाँ पे रखा गया, वस्तु एन प्रकाशीय, ये जो कि एम और एन है, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र के कहाँ पे रखा गया, फोकस के बीच रखा गया, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। जब फोकस के बीच रखा गया तो यहाँ से पहले तो क्या होगा, आपका केंद्र से होके जाएगी पहला, दूसरा क्या होगा, पहला तो जैसे सीधे जाएगी तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस से कटेगा, और दूसरा केंद्र से होके जाएगी। तो आप देखिए ये दोनों पैरेलल हो गए तो मिलेगी नहीं, तो वो जाके कहाँ पे मिलेगा, पीछे, पीछे जहाँ पे मिलेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
वस्तु, जो वस्तु है उसका इमेज बनेगा। क्लियर? तो चलिए अगला हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई तो बनने वाले प्रतिबिंब की आरेख खींचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, ये मेरा फोकस हो गया, इसके बीच अगर रखेंगे तो सबसे पहले एक तो किरण आरेख जाएगी दर्पण से, और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी, और दूसरी जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिलेगी, दोनों पॉइंट, दोनों रेखाएं मिलेगी, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हमारा किरण आरेख हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो हमारा क्या बनता है, वक्रता केंद्र के परे बनता, और जो वस्तु है यहाँ पर देखिए छोटा वस्तु है लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा, बड़ा बन रहा है। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक तो हो गई, चलिए बातें करते हैं आगे। आगे आगे ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f, अगर 2f पर रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब की किरण आरेख कैसे। देखिए पहला फोकस हो गया f, दूसरा हो गया 2f1, मतलब इसको वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे f2, यहाँ तो होगा 2f2। जब यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो यहाँ से एक लाइट जाएगी, एक किरण जाएगी, और क्या होगा, फोकस से होकर कटेगी। तो यहाँ पे देखिए इधर फोकस होगा, इधर कटेगी, और दूसरा क्या, केंद्र से होकर जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मिल रहा है, कहाँ पे, जहाँ पे दोनों रेखाएं मिल रहे तो वहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यहाँ पे मिल रही है, तो ए डैश और बी डैश यहाँ पे बनता है। क्लियर? मतलब 2f भी बनता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम आपको 6 ग्राफ दिए हैं, और बहुत सारे हम जब प्रकाश परावर्तन में अपवर्तन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम आपको बताए भी थे। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा जो वीडियो होती है ख़त्म होती है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आपको बहुत अच्छे लगे जो कि यहाँ से आपको, अगर आपको यहाँ से किसी प्रकार से आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दे, चाहे आप जहाँ पे जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जो भी यूज करते हैं वहाँ पे हर एक पे वीडियो को शेयर कर दें, और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। क्लियर? तो कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हम कि क्या इसमें बदलाव करें ताकि बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा पहुँचा सके। क्लियर? औरों तक मतलब कि इजी वैसे आपको पहुंचा समझ में आ जाए। क्लियर? तो और जो न्यू है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के जितने भी विद्यार्थी उनको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। यहाँ से हम कोशिश रहती मेरे कि आपकी जितने भी मटेरियल्स वो हम आपको प्रोवाइड करते जाएँ। ठीक है? तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं हम अगले पार्ट्स में, जो कि 2 मार्क्स के दूसरे नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% टच कर जाएगा। तब तक के लिए बाय।